एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार दोनों विकास को गति देने के लिए, विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ भाजपा के साथ गए थे, वास्तविकता सबको पता है। तो फिर आज के बजट में महाराष्ट्र को ठेंगा क्यों मिला? सब कुछ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही क्यों मिला? वैसे तो ये बजट केवल दो राज्यों का था, तो महाराष्ट्र को ठेंगा दिखाया तो फिर महाराष्ट्र की जनता को शिंदे जी और पवार जी, अजीत पवार क्या जवाब देंगे? क्या मिला है महाराष्ट्र को? केवल और केवल राजनीतिक तोड़फोड़, संवैधानिक तोड़फोड़ और महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित करने के लिए काम हुआ था, ये आज के बजट से सिद्ध हुआ है।